फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, अलंकार। जैसा कि हमने जो अभी तक पिछले वीडियोस डाले गए हैं, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग का काफी रिस्पॉन्स आया था कि सर आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो उसी को देखते हुए हम अपने इस वीडियोस को लेके आए हैं और विद एक्सप्लेनिंग के साथ, और आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज समझाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ताकि ये चेक करें कि आपको कितना आ सका। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात क्या है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये देखिए सब्सक्राइब का बटन आ गया। तो इस वीडियो को जब स्टार्ट होगा तो वहां पे देखिए सब्सक्राइब का एक ऑप्शन होगा, तो वहां पे जाइए, आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको सारे अपडेटेड वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो पहले के हों या फिर आगे आने वाले वीडियो हों, वो आपको सारे अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए और उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच। तो ठीक है, तो सर ज्यादा समय हम नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो जैसे इसका हिंदी में यूज होता है, वैसे ही इसका यूज हम इंग्लिश में करते हैं। जैसे हिंदी में क्या करता है, ये किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ा देता है, तो हिंदी में भी तो इसकी अगर काव्य की शोभा को अगर बढ़ाएगा, तो इंग्लिश में भी क्या करता है, जो वर्ड्स जो होते हैं उनकी ब्यूटी को ये एक्सप्लेन कर देता है। तो देखिए इनकी थोड़ा सा कुछ डिफिनेशंस के बारे में आते हैं। देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये नेस फील्ड ने इन्होंने कहा था कि ये क्या है, कि ये ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड है जो क्या करता है, किसी उनके इफेक्ट को वो इंक्रीज कर देता है। फिर जो पीसी रेन थे उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी ये क्या करता है, हमारे जो आइडियाज हैं उन पे ये ग्रेटर इफेक्ट डालता है। ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं और आइडियाज हैं उनके ऊपर ये एक बेहतर इफेक्ट डालता है कि अगर हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे अभी तक होते तो बहुत हैं फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन जो हमारे जो 12th तक हैं उसमें कितने हैं, केवल 7 ही फिगर ऑफ स्पीच हैं, और यही मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे 7 फिगर ऑफ स्पीच लेके आए हैं। तो पहला क्या है, देखिए मैं एक बार नेम बोल देता हूँ सबका, सिमली, सेकेंड मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोला एंड ओनोमेटोपोया। और देखिए उनके सामने सबके हिंदी में उनका नाम भी दिया हुआ है, तो उसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा सिमली, जिसको हम हिंदी में उपमा भी कहते हैं। तो इसकी पहले हम डिफिनेशन पर जाते हैं। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, द वर्ड्स एज लाइक और सो एज यूजफुल फॉर कंपैरिजन। तो इसमें आप बस एक कॉमन चीज याद रखिए कि अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर वहां पे अगर आपको एज दिख जाए, लाइक दिख जाए या फिर सो दिख जाए, अगर ये तीन वर्ड्स में से कहीं एक भी वर्ड्स अगर आपको दिख जाए और वहां पे अगर ऑप्शन में पूछ दिया गया कि दिस इज अ विस काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, देन यू हैव टू टेक द सिमली। वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये सिमली होगा। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल्स पे हम आते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है इसका, वी बियर हर अलोंग पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक अ पर्ल ऑन स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे लाइक आया ना, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिमली। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखिए, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पे एज आया, तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच हो गया। थर्ड में देखिए, सी इज एज फ्यू एज ड्यू, मतलब वो क्या है, वो उतनी फ्रेश है जैसे
ड्यू मतलब क्या होता है, ओस की बूंदें, तो वो ओस की बूंदों की तरह वो फ्रेश है, ताजा है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से उसकी उपमा दी जा रही है, उसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे फ्रेश की मतलब सी की जो कंपैरिजन है वो ड्यू से किया जा रहा है। तो यहाँ पे एज आया तो यहाँ पे क्या होगा, सिमली होगा। ठीक है, तो ये आपका सिमली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। तो ठीक है, आइए अब हम सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेटाफोर। इसको हिंदी में हम रूपक अलंकार भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, देखिए, इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम ऑन द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक ऑल्सो और नॉट यूज। तो इसमें भी एक वस्तु की तुलना दूसरे चीज से की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क होता है, यहाँ पे एज लाइक और सो यूज नहीं होता है, लेकिन सिमली में क्या था, एज लाइक और सो का यूज करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिमली और मेटाफर में ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें एज लाइक सो इसमें नहीं यूज होता है और सिमली में यूज होता है। तो देखिए रेन और मार्टिन के अकॉर्डिंग भी इन्होंने अपनी डिफिनेशन दी हुई है। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, ये एक तरीके से इम्प्लाइड सिमली है कि अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अगर हम एज लाइक और सो को अगर सिमली में से हटा देंगे तो वो मेटाफर बन जाएगा, और अगर मेटाफर कोई फिगर ऑफ स्पीच है अगर उसमें हम एज लाइक और सो को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सिमली हो जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ है। तो आइए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, जिंदगी क्या है, एक सपने की तरह है ना। तो यहाँ पे जिंदगी एक सपने की तरह है, मतलब यानी इसका अगर एक तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालें, अर्थ निकालें, जिंदगी एक सपना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, ये जिंदगी एक सपना है लेकिन उसकी तरह नहीं है, तो यहाँ पे हम मेटाफर हम कहेंगे। सेकंड क्या है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, मतलब ऊंट को, ऊंट क्या है, डेजर्ट का शिप है, ये है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेटाफर है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो पहला जो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, लाइफ की तुलना यहाँ पे ड्रीम्स की गई है, लेकिन तुलना जो प्रकट नहीं की गई है, इसमें यहाँ पे लाइफ को ही ड्रीम मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको इसको हम मान लिए हैं कि ये क्या है, ये ड्रीम है। इसी तरीके से हम कैमल को क्या मान लिए हैं, कैमल को हमने सिप मान लिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मानने की कंडीशन आ जाती है, वहां पे मेटाफर हो जाएगा, और जहां पे हम मान यहाँ पे अगर हम नहीं मानते हैं तो वहां पे आपका सिमली हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब थर्ड पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है पर्सनिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं इसको मानवीकरण। इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि देखिए इसमें जो होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर उनमें हम इस तरीके की फीलिंग्स लाएं जैसे एज अ लिविंग के टर्म्स में हम यूज करते हैं, तो वहां पे पर्सनिफिकेशन होता है ना, यानी निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर अगर व्यक्ति के रूप में उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज पर्सनिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। तो दरवाजा कौन खटखटाएगा, कोई लिविंग टर्म्स ही तो दरवाजा खटखटाएगा, तो वहां पे अवसर क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये नॉन लिविंग है, और उसके साथ हम कैसा हम फील कर रहे हैं, एक लिविंग के टर्म्स में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पर्सनिफिकेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल पे आते हैं, से एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। तो एंजाइटी क्या है, जो होती है उसके फेस के बगल में बैठी हुई है। तो बगल में बैठने का मतलब ये, कोई अगर इंसान बैठा हुआ है तो उसको एज हम मान ले रहे हैं कि वो क्या है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग को हम लिविंग के साथ हम मतलब फील करा रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो गया। लव इज ब्लाइंड, लव क्या होता है, यहाँ पे अंधा है, तो अंधा कौन होगा, अंधा भी एक लिविंग पर्सन ही होगा, जिसकी जिसकी कंपैरिजन हम लव के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, देखिए अगला क्या है, अपोस्ट्रोफी, जिसको संबोधन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई अगर मृत है या फिर अब्सेंट है या फिर जिसको एज अ क्या लेते हैं हम, जैसे पर्सनिफाइड लेते हैं, उसके लिए अगर हम एक तरीके से हम वहां पे उसको हम ऑब्जेक्ट को हम संबोधित करते हैं यानी एड्रेस करते हैं, तो वहां पे अपोस्ट्रॉफी होता है। या फिर आप सीधे सीधे एक मानिए कि जहां पे अगर आपको क्या दिख जाए, एक्सक्लामेटरी साइन दिखा, अगर कहीं भी अगर
फिगर ऑफ स्पीच में, तो वहां आप समझिए वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, अपोस्ट्रॉफी होगा, ठीक है। जैसे ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर, तो यहाँ पे क्या ओ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होती है, जो हमारी स्वतंत्रता होती है, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, तो उसको देखिए एक तरीके से क्या कर रहा है वो, यहाँ पे संबोधन किसको किसका किया जा रहा है, यहाँ पे लिबर्टी को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपोस्ट्रॉफी हुआ। फिर ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु तुम जल्दी आओ, तो यहाँ पे डेथ को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी इसके लिए हो गया। अच्छा एक दो एक चीज और है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अपोस्ट्रॉफी एंड पर्सनिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग को या फिर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको क्या मान लेते हैं, लिविंग मान लेते हैं। लेकिन अपोस्ट्रॉफी में क्या होता है, किसी नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट को उसको क्या मानते हैं, हम लिविंग मानकर ही उसको हम संबोधित करते हैं या फिर उसको हम एड्रेस करते हैं, ठीक। वहां पे पर्सनिफिकेशन में मान लेना है, यहाँ पे उसको एड्रेस करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ क्लिक हो गया, देखो ये सब साला आ गया यहाँ पे, इस पे क्लिक करने से नेक्स्ट हो गया। आइए देखते हैं फिर अपना नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। इसमें क्या होता है कि थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स दैट दे रियली आर, मतलब इसमें चीजें क्या होती हैं, जो एक्चुअली जो पोजीशन होती है या तो उससे बहुत ही अच्छी होती है या तो बहुत ही खराब होती है, उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के बता दें कि उसकी वास्तविकता से कहीं भी कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो ऐसा कभी होता है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अभी तक चांद सितारे तोड़ के लाया हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होती है, वो अतिशयोक्ति होती है, ठीक है, यानी हाइपरबोल हुआ। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, मतलब उसने रोया, कैसा रोया उसने, ओशन ऑफ टीयर्स यानी समुद्र के बराबर उसके आंसू निकले, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रिवर्स ऑफ ब्लड जो है, फ्लोड इन द बैटल यानी कितना है, खून की नदियां बह गई, मतलब इस युद्ध में खून की नदियां कभी बहती हैं, खून तो बहुत बहता है लेकिन इतना भी नहीं होता है कि कोई नदी बन जाए खून से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हाइपरबोल हो गया, ठीक, जिसको हम अतिशयोक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपोया, यानी यहाँ पे क्या है, देखिए ध्वनि सूचक है। इसमें क्या होता है कि इन द फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग, यहाँ पे जो साउंड होता है वो सेंस और मीनिंग को सजेस्ट करता है। इसमें शब्द शब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, इसे अलग अलग पंछी होते हैं, जानवर होते हैं या अलग अलग वस्तुएं होते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, अंग्रेजी में अलग अलग आवाजें होती हैं, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए आई बेबल ऑन द पेबल्स, या बीज हम, यहाँ पे जैसे क्या है, बीज हम मतलब क्या होती है, जो मक्खियां होती हैं वो भिनभिनाती है ना, तो शेर क्या करता है, रोर करता है, तो इस वजह से जहाँ पे किसी भी चीज की साउंड की जहाँ पे हमें अगर हीरिंग आती है या पे ऐसा हमें फील होता है, तो वहां पे ओनोमेटोपोया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 से 7 जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक, रेलवे, SSC, टेट, CTET कुछ भी हो। तो यही 7 अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आपको फिगर ऑफ स्पीच आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फिगर ऑफ स्पीच के लिए एक स्पेशल एडिशन आपके लिए। अब देखिए जैसे कि हर वीडियो की तरह लास्ट में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसका मूल्यांकन आप स्वयं करें, और इसमें ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज है जिसमें 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपको इसमें बताना पड़ेगा कि इन 4 सेंटेंसेस में कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच होंगे। कैसे बताएंगे, तरीका आप सबको पता है, आप उसकी नेमिंग करके 1 2 3 4 करके जिसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होगा उसको आप लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको जल्दी से जल्दी उसको सेंड करिए, जिससे हम भी जान सकें कि हमने जो पढ़ाया है वो आपको कितना समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अगर हमारा चैनल आपने देखा, समझ में आया,
तो उसको बहुत ही जल्द उसको सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक बटन तो आप दबा ही दीजिए, और जल्दी से जल्दी अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जो भी सजेशन हो सके उसको भी बताएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।